जो उससे अभी आपका अभिषेक करेंगे तो आपकी पुण्य वर्गणाएं उसी समय से इकट्ठी होने लगेंगी। आप महिला वर्ग अभिषेक नहीं कर सकती तो कम से कम उस कलश में अनुमोदना तो कर सकते हैं और अपनी वह चंचला लक्ष्मी कह लो या सोना कह लो, सोना तो वही सोना है जो वास्तव में सौभाग्य बना दे, सौभाग्य जगा दे। और सबसे पहले यदि आपके सोने का उपयोग होगा तो पुरुष दोनों हाथों से उठाएगा और भगवान का अभिषेक करेगा, इतना सौभाग्य और कहां प्राप्त हो सकता। तो इस प्रकार का आप दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये कृत कारत अनुमोदना से भी पुण्य अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। आप समझ लीजिएगा, ये आपको स्वर्ण अवसर मिला है सोने का दान करने का, इससे अच्छा और कोई स्वर्ण अवसर प्राप्त नहीं होता। अच्छा, हमने सोची सोने के संग सिम फ्री है फोन लगाने के लिए। हाँ, देखो भैया यहाँ पर एक अंगूठी हमारे माँ साहब की तरफ से आई है, एक अंगूठी भी भाभी जी कहाँ गई, नाम क्या था आपका, रीना की तरफ से आई है, एक कान की वाली शिखा श्रद्धा, हाँ, और ये एक जोड़ी कान की वाली साधना जी, हाँ बहुत बढ़िया, देखो कितनी अच्छी है, क्या नाम आपका, एक जोड़ी कान की वाली, और देखो हम तो कहते जो पहने वही उतार के दे दो, इससे बड़ा दान और आपके जीवन का इससे बड़ा पुण्य आपके जीवन में नहीं मिलेगा। देखो कान की वाली एक जी और आ गई, एक अंगूठी और आ गई, नाम नहीं बोल रहे हम तो बोलत जा रहे हैं, एक अंगूठी हमारी बसंत जी का, एक हमारी का नाम इनको अर्पणा जी, अनिल जी क्या, हाँ बजा जोरदार तालियां, और आज जो आएगा उसी का कलश बनेगा। हाँ, एक अंगूठी हमारी भाभी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, श्रीपाल राजा परिवार से, हाँ देखो दादी भी लेके आ रही है, ला दादी उतार दो, अब तो सब छोड़ के जाने हैं, चाहे इन्हें दाइए तुम अपनी लेके आइयो, तुम अपनी लेके आइयो, उसमें फायदा रहे है, अंत भला सब भला। हाँ, एक अंगूठी है, एक बार आ गई यहाँ पर, बजा जोरदार तालियां राजेश जी के यहाँ से, कुबेर जी की धर्म पत्नी ने कल कितने सारे रत्न बांटे थे, आज एक अंगूठी भी दे दी उनने, सही बात तो इंद्राणी के पास हो चाबी और कोई के पास होता ही नहीं है। हाँ जल्दी जल्दी, और जिसकी भावना बने निकाल लो, नहीं तो एक ध्यान रखना, जब एक्सीडेंट आदि हो जाते निकलता नहीं है तो तोड़ तोड़ के निकाल लिया जाता है, ऐसा क्या काम का वो द्रव्य, ऐसी द्रव्य का उपयोग करो जो भगवान के सामने भगवान के काम में भी आ जाए और भाव भाव तक हमारे पास रहे। करण जी रिछावर वाले परिवार की तरफ से एक अंगूठी, एक हमारे नवीन जी, देखो नवीन से कहा था भैया बन जा पहले, कह रहे तो हमें नहीं बनने, हमें नहीं बनने, और देखो कितना आनंद, सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा है भगवान की भक्ति में, बजा जोरदार तालियां। नयनधरा परिवार की तरफ से भी एक अंगूठी, बहुत बढ़िया, बजा जोरदार तालियां, पक्का है कलश तो पूरा बन के रहे हैं। एक विकास टायर वाले कह रहे एक अंगूठी उनकी तरफ से कल आ जाएगी, बजा जोरदार तालियां, आज जो बोल दो बोल दो, आज का मुहूर्त शनिवार है, सबके साढ़े सात ही उतारवा रहा हूं ज्योतिष के अनुसार, और डॉक्टर साहब की तरफ से एक किलो, अच्छा एक अंगूठी, बजा जोरदार तालियां, हवाई जी की तरफ से, आशा पीसी जैन की तरफ से भी एक अंगूठी लिख लेना, कला हैगी, हाँ ठीक है, हाँ कल आए मासा आए जो ठीक है, बाकी लेता ही एक अंगूठी अच्छी, बहुत बढ़िया, बजा तालियां, नाम तो बता दो, पारा जैन, अभी उन्होंने कान के जो उन्होंने कान में पहने थे वो उतार के दे दिए हैं और बाकी एक अंगूठी में ला के दे दे हैं। वो अपनी जेब के देंगे, बजा जोरदार तालियां स्वर्ण के लिए। सुबोध अनीता की तरफ से एक अंगूठी, उधार वाले लिखते जाना तुमको, तो लेखा जैन की तरफ से एक अंगूठी, जो प्लास्टिक को लिया कलश लेके आओ, कलश बनने हैं, अर्पित एक कलश ला के दो खाली,
सुन रहे हो फिर भी नहीं उठ पा रहा। छावन ने अपने कान के उतार दे बजा जोरदार तालियां, अब कोई तुम्हारा कान न पकड़ पे है। अर्पणा जैन की तरफ से एक अंगूठी, अरुणा जैन की तरफ से एक, वो दादी जी क्या कह भैया उनका नाम पूछ लेना, सावित्री जैन की तरफ से एक अंगूठी लिख लो कल आ जाएगी। कौन की तरफ से? चित्रा रंजना जो तुम्हारे मनोज जी हैं उनकी तरफ से एक जोड़ी कान की बाली कितने किलो की? क्या कोषाध्यक्ष है? हाँ, और कल ला के दे देंगे बजा जोरदार तालियां। लाओ कुबेर की मम्मी, इनके ना से जित तो ले जाओ उतना ही कम है, भोसा को पूरा है। हाँ बजा जोरदार तालियां कुबेर परिवार के लिए, उनकी तरफ से भी एक अंगूठी। डॉक्टर साहब की डॉक्टर निवाई ने एक अंगूठी दे दी है, डॉक्टर साहब कल देंगे। हाँ और कोई जल्दी से लॉकर लॉकर, आज है मौका। और ध्यान रखना ज्योतिष शास्त्र में लिखा है अपने दिए गए सोने पर जब भगवान का अभिषेक या भगवान विराजमान हो जाते हैं उसके जीवन में तीन काल तक शनि की साढ़े साती नहीं सता सकती। हाँ श्रीमती कल्पना राजकुमार शास्त्री पंडित जी साहब की तरफ से एक अंगूठी कल आएगी बजा जोरदार तालियां। कौन बकेनी? पंकज कुमार जी बकेनी वालों की तरफ से, उनकी मम्मी की तरफ से कितने 2100 रुपया बजाओ दादी के लिए तालियां। ये पक्का ज्योतिष का नहीं, ज्योतिष शास्त्री ये बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। हाँ मुहूर्त के सारे 2 मिनट बचे हैं। एके जैन प्राचार्य की श्रीमती की तरफ से एक अंगूठी कल आएगी लिख लो। मेरठ वाले का कह रहा है इतने आओ, तो मेरठ वाले आओ, मेरठ में पता है सोने की दुकानें हैं। हाँ भैया इनके लिखो जोरदार ताली बजा। देखो मेरठ से रोज यहाँ पे विधान कर रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, शायद सर्विस वगैरह करते हैं, इनकी तरफ से नगद राशि यहाँ पर आई है। जो भी कह रहे जितने उनके पास जितने रखे तो उन्हें पूरे निकाल के दे रहे। बजा जोरदार तालियां। अब गिन लियो कितने हैं। बहुत बढ़िया। नाम बता दो तुम्हारा भाई, नाम क्या है? अरे नाम तो बोलो, प्रोत्साहन के लिए है। होशियार सिंह जुगल किशोर जी परिवार मेरठ वालों ने कितने 51, देखो जेब में 5100 ही रखे थे, उन्होंने पूरे निकाल के दे दिए। बजा जोरदार तालियां। मंदिर के लिए है मन गदगद हो गया। सुनील कुमार जी शांति किराना परिवार की तरफ से 30 ग्राम के लिए 35 ग्राम की अच्छी बन जाएगी। 35 ग्राम स्वर्ण की दान की घोषणा। बजा जोरदार तालियां। ऋषभ खवारी की तरफ से एक जोड़ी कान की बाली आ गई। संगीता आनंद जैन की भी कान की एक ले गया, एक कहां गई? एक ही पहने थी। हाँ बजा जोरदार ताली। अच्छा वो गिर गई थी इसीलिए कहां गई थे जो अच्छो है। पीसी जैन सैडोल वालों की तरफ से 2100 रुपए की राशि। बजा जोरदार तालियां। 4 कलश तो बनने हैं, चार ही कोनों की, चार ही आराधना करने के लिए। हाँ अरे सोने के होना चाहिए, रोज करना भी से। क्या कह रहे मां साहब? नमस्ते। हाँ डीलक्स वाले का कह रहे हैं एक अंगूठी। डीलक्स पेट्रोल पंप वालों की तरफ से एक अंगूठी। बजा जोरदार तालियां कल आएगी। हाँ कल दे देना। पीसी जैन भीलवाड़ा राजस्थान, क्या बात है, भीलों की नगरी है भैया, और राजस्थान तो बिल्कुल मारवाड़ मेवाड़ों की नगरी है। वहां से एक अंगूठी बजा जोरदार तालियां कल आएगी लिख लेना। और कल से कौन सा विधान है? सहस्त्र नाम विधान। उस विधान में जिनको भी देना वो दे देना। चलिए भैया अपन आगे के अर्घ चढ़ा रहे हैं। हाँ क्या कह रहा बेटा? 21 नाम बताओ। हाँ पवन मेडिकल परिवार की तरफ से 2100 रुपए की राशि। बजा जोरदार तालियां। सौ धर्मिंद की मम्मी ने इतो वजन वाली, सौ धर्मिंद बजा जोरदार तालियां, उनकी तरफ से एक अंगूठी नगद।
लिख लो भैया पंकज बकेनी वालों की तरफ से एक बाली कल आएगी। हाँ पीसी जैन साइडोल वालों की 2100 की जगह 5100 रुपए की राशि। चलिए और एलक जी महाराज को लेने चले जा भैया। हाँ बेटा सचिन जैन लिख लो भैया, सचिन जैन सानोदा वालों की तरफ से एक अंगूठी कल आएगी। हाँ एलक जी महाराज को लेने चले जा भैया। हाँ चलिए शुरू कर दे आगे की अर्घावली। दीपक जैन कर्रापुर वालों की तरफ से 2100 रुपए की राशि। रेशम जी गिरी चलो भाई।
हे गुरुवर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर मेरी एक जिज्ञासा का समाधान करें, जैन भक्ति परंपरा में सद्दर्शन का क्या स्थान है और मिथ्या दृष्टि क्या सच्ची भक्ति कर सकता है? इच्छामी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सवुसाऊनं, एसो पंच नमो यारो सर्वव पाव पनाशनो मंगलानं चे सर्वेसिं परमं हवे मंगलम्। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुति गोचरत्वं निनीश्वाश्वो वैमद्यवीरं विशीर्ण दोषा सपाशवन्दं विशीर्ण दोषा सपाशवन्दं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। जरा जोर से बोलना सब लोगों के लिए, एक बार फिर से बोली पंच परमेष्टि भगवान की। अभी तक आप लोग पांच पांडव की जय बोलते आए हैं, आज पंच परमेष्टि की जय बोलना। वैसे तीन पांडव मोक्ष गए हैं, दो नहीं जा पाए, इसलिए पंच पांडव की जय नहीं बोल सकते, पर सिद्ध परमात्मा पांडवों की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, सवाल आया है जवाब देना है, कठिन सवाल है, पर सवाल कठिन है क्योंकि विद्यात और सम्यक की बात है और भक्ति बीच में है। बहुत सारे लोग सबसे पहले भक्ति के स्वरूप को नहीं समझते हैं, भक्ति है क्या चीज। भजन बिना चैन ना आवे आजू, भजन बिना मोहे चैन न आवे आज, भजन करत दिन बीत जात है, भजन करत दिन बीत जात है, भजन लच ना जानू, भजन बिना मुहे चैन न आवे आज, भजन बिना मुहे चैन न आवे। भजन स्वरूप है और भक्ति कहा करते हैं, भक्ति कहा करते हैं कि जिसमें पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति जो अनुराग होता है, उनके प्रति जो प्रेम होता है, गुणों के प्रति जो आदर भाव होता है, गुणों के प्रति जो महिमा प्रकट हो जाती है, उसका नाम भक्ति कहलाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सेवक बनकर के भक्ति की, बहुत सारे लोग सेवक बनकर के भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग सेवा के लिए भक्ति करते हैं, पर जैन दर्शन में एक बात कही जाती है कि भक्ति वो होती है जो गुणों के प्रति अनुराग पैदा कर देती है। जब गुणों के प्रति अनुराग होता है तो बात आप लोगों
एक मोह होता है और एक भक्ति, तो चीजें होता है। एक जब कोई परिवार में मेहमान आते हैं, और मेहमान दो प्रकार के आते हैं, एक अभिलाषा, हमारे मेहमान आते कि नहीं आते, आपकी साधना, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन। अब मेहमान दो प्रकार के आए, कौन आए, आप मेहमान दो प्रकार के आते हैं, एक अपना भाई आता है और एक जेठ आते हैं, देवर आते हैं, सर आते हैं, चाचा आते हैं, अब चाय बनाने में इंटरेस्ट कितना किसका होता है ये बात आप समझना, बताओ चाय बनाने में इंटरेस्ट जब भाई आएगा उसमें होगा कि संजीव के मामा आए तो हाँ, वो तो मुझे पता है कि समान रूप से ही होता है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कितने कुछ भी कहो ये चूंकि समोसरण में आप लोग बैठे हैं इसलिए समान भाव आपके जागृत हो रहे हैं, झूठी बोलना नहीं है यार, और झूठी बोले बोले में रहना नहीं है। हाँ समोसरण में झूठ काहे को बोलेंगे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अब एक बात मैं बता रहा हूं कि भक्ति अंदर से होती है, जितना जिसके प्रति लगाव होता है उतनी भक्ति होती है, लगाव नहीं होता तो भक्ति। अब मार मार के मुसलमान बनना अलग बात है और भीतर की भक्ति। अभी हमारे सामने प्रश्न आया, बोले महाराज जी पहला समोसरण 51,000 में गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया 51,000, पीछे के 11,000 में गए, तो लोग हमसे कह रहे हैं कि यार अपनी गलती हो गई, पहले नहीं बोलना था, बाद में ही बोलना था। पर मैं कहता हूं भक्ति नहीं रही है, दान नहीं रहा, ये हमें तो समोसरण लेना बहाना है, समोसरण उठा करके ले जाओगे वहीं कर लेना पूजन, लेकिन भक्ति जो होती है वो भीतर से श्रद्धा की बात होती है, भक्ति जो होती है भीतर का अंतर का प्रेम होता है, और जब अंदर में प्रेम आ जाता है तो वह प्रेम भक्ति में बदल जाता है। लेकिन प्रेम दो प्रकार से होता, पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, एक मोह में तो आपके भाई के आना मोह है, क्या है भाई का आना, भाई के प्रति मोह है, जितना भाई के प्रति लगाव है उतना पति के मामा के प्रति लगाव नहीं होता। तो चाय बनाने में, दूध डालने में और दूध की क्वालिटी मेंटेन करने में, सब चीजों में एक बात होती है, वह बात यह होती है कि हर आदमी एक बात कहता है, रुक तो जाओ, तो नहीं बना तो रहे, क्या बोलते हैं, आज संजीव नहीं आया, कहाँ है, बाहर क्यों भग जाता बेचारा, बाहर क्यों भग जाता बेचारा, क्योंकि मन नहीं लगता ना, हाँ कब बैठे नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि मोह में, एक घटना से मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक बार घाटोल राजस्थान में है, वहां पर मेरी क्लास चल रही थी छह ढाला की,
एक बच्चे के गिरने की आवाज आई और एक महिला बहुत दौड़ करके नीचे तक गई। मैंने कहा भाई धीरे जाना, तुम मत गिर पड़ना। बाद में वो लौट के आई तो क्यों, तो वो क्या बोली, मां बोला नहीं, बेटा वही रो रहा था। तब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर अपना बेटा होता तो उठाया जाता, अपना बेटा नहीं है उसे क्यों उठाया। अच्छा भगवान महावीर स्वामी किस किस के हैं, हाथ उठाओ। मंदिर नेहा नगर का कितने लोगों का है, झूठ मत बोलियो रे। तुम लोग ये बोल देते अब भी अध्यक्ष जाने, मंत्री जाने, महाराज जी आ रहे तो हम का जाने, कौन का तो नरियल रख ले। तो एक उज्जैन में मैंने देखा, वहां पर बोर्ड पर लिखा कोई भी साधु को श्रीफल नहीं चढ़ाए, कमेटी ही श्रीफल चढ़ाएगी, और अगर श्रीफल चढ़ाया तो समाज से बंद कर दिया। स्पष्ट लिखा था उज्जैन के फ्रीगंज के मंदिर में। अब मैं ये कहता हूं साधु के सारे के सारी भक्ति किसकी हो गई, कमेटी की। हमने एक व्यक्ति से कहा, मैंने उसका विरोध कर दिया क्योंकि तो मेरा विरोध करना जरा काम रहता है। मैंने विरोध कर दिया तो वहां के कैलाश दादा थे वो हमारे विरोध में आए, तो एक आदमी ने वो जो लिखा था जिसने उसने पोत दिया, मिटा दिया। बोले मैंने लिखा था मैंने मिटाया। हर आदमी को मैंने कहा कि मुनि श्री के लिए आमंत्रित करने का अधिकार है हर आदमी को, कमेटी जाए अथवा ना जाए। हर आदमी ये कह सकता है कि आप हमारी नेहा नगर। तो उनने कहा महाराज जी व्यवस्था नहीं बनती है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। आहार एक महाराज जी आए और उनके लिए आहार का कोई भी चौका नहीं लगा, हम घर घर हुआ है कोई ने चौका नहीं लगा। तो मैंने कहा आप लगा लेते ना, तो हम लोग डोनेशन फ्रॉम होम, दान की शुरुआत अपने घर से होती है, और जब हम अपने घर से शुरुआत करते हैं तो वह दान सच्चा दान होता है, और लोग दूसरों को दान की प्रेरणा देते हैं पर खुद दान नहीं करते हैं। ऐसे दान की प्रेरणा से लोग दूर हट जाते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो गुणों के प्रति जो अनुराग होता है, जो भगवान के गुण हैं, क्योंकि आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो सिद्धों की आराधना का फल क्या चाहे। नाथ मैंने पूजन को फल पायो, नाथ मैंने, अब पूजन का फल क्या चाहिए आपको, मैं दे रहा हूं। तत्वा सूत्र पढ़ते एक उपवास का फल मिलता है, पूजन का विधान करते हैं तो अभी भैया जी ने बताया होगा कि आपके लिए ये फल मिलेगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं कि आप फल क्या चाहे। आपने फल चढ़ाया तो कह दिया मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपामति, आप भक्ति का फल क्या चाहे। तो अभी जो प्रश्न किया गया कि मिथ्या दृष्टि भक्ति कर सकता, मोही जीव भक्ति कर सकता है, तो मोही जीव मंदिर में आके लड़ सकता है, भक्ति नहीं कर सकता। अशोक नगर के मंदिर में लड़ाई हुई, किसकी लड़ाई हुई, किसी ने किसी महाराज जी की जय बोल दी, किसी ने किसी की बोल दी, लड़ाई हो गई। नेहा नगर में तो खैर लड़ाई होती नहीं है, अभी नहीं होती, कार्याध्यक्ष नहीं होती ना, कार्याध्यक्ष जी कह रहे हैं हमारे नेहा नगर में कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपके अंदर ये बात आ जाती है कि जैसे मैंने प्रतिष्ठा कराई तो पूजन मैं करूंगा, मेरे भगवान, तो मैंने देखा लटेरी एक गांव है तो वहां पर एक सज्जन थे कि दुर्जन थे मैं नहीं कह सकता हूं, तो उनका ये कहना था, एक दिन वो मेरे पास शिकायत लेके आए, बोले महाराज जी हम अपने भगवान की अभिषेक करें कि हम दूसरे के भगवान। अब जिनने वेदी बनवाई बेयात नहीं है, बोले हमें करना पड़ा थे, तो हमने कहा तुम भी मत किया,
हम तो इसी बात को कह सकते हैं कि तुम भी मत किया करे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भगवान की पहचान ही नहीं आई, तुम तो अपने भगवान की पूजन करोगे दूसरे के भगवान की। लेकिन जिन मूर्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी है वो भगवान भक्त के होते हैं, संजय के नहीं। वो भगवान भक्त के होते हैं और उन भगवान के सामने हर व्यक्ति आकर के भक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति आकर के पूजन कर सकता है। वही अधिकार आपको है, वही उनको है। लेकिन भक्त लोग जो मोह में होते, मैं आगे हो जाऊं तो ये मोह है। मैं तो कई भक्तों को मैंने देखा है कि महाराज जी पीछे खड़े हैं, वे भगवान को पहुंच ही रहे, दिखते ही नहीं कि महाराज जी आ गए तो उनको मौका दे दें अपन क्या करने का दर्शन। इसका नाम भक्ति नहीं है। तो भक्ति नाम किसका है? गुणों के प्रति अनुराग करने का। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराभिधु यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति वह पद्धति। जिसके पास सच्चा दर्शन होता, सच्चा बोध होता, सच्ची श्रद्धा होती, सच्ची आस्था होती है, सच्ची आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी किसी के लिए मेरा तेरा नहीं होता है। मेरे महाराज जी तो सबके हैं। गुणों की अगर आप पूजा करोगे तो आप सबके हैं, और यदि आप गुणों की पूजन न करके व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं, व्यक्ति में रह जाते हैं, व्यक्ति तक सीमित हो जाते हैं, तो व्यक्ति की पूजन करने में आप मोह में फंस जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति मोह में जाता है और व्यक्तित्व मोह को दूर कर देता है। आप व्यक्तित्व को देखते। अच्छा एक बात बता, महावीर के उपासक हैं कि महावीरत्व के? नहीं है, महावीरत्व के नहीं है। महावीरत्व आपको पता ही नहीं है। महावीरत्व क्या है? महावीर किसे कहते हैं? राधा कृष्णन जी ने लिखा कि महावीर क्या है, तो वीर वो कहलाता है जो शत्रु को जीत ले, वीर कहलाता है, बहादुर कहलाता। लेकिन जो अपने आत्मा और अपनी बुराइयां भीतर की जीत ले वो महावीर कहलाता है। और हम लोग बुराइयों को जीतने आए हैं, भक्ति कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मद हर्ष और शोक। भैया जी ने जब आप लोगों का सकलीकरण किया होगा तो कितनी चीजों का नियम दिया था, बीड़ी नहीं पियोगे, संजय पी थी तुमने? अच्छा कितने लोगों ने बीड़ी पी? एक ने भी नहीं, एक खड़ी होने मिले को पी ली थी तुमने, इतनी अच्छी लगा थे का। तो अब बीड़ी पीते हैं हम, बीड़ी नहीं पिएंगे, हम चिटाई पर सहायन करेंगे, हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, हम ये सब काम नहीं करेंगे, फिर भक्ति करेंगे। तो संयम पूर्वक श्रावक भक्ति करता है और भगवान पर सेवक दादागिरी करता है। जैसे कभी कभी आ जाते ना कहीं ला महाराज जी प्यार तो दे दो जाइए जल्दी, हमें भैया वृत्ति करके जाने आ है आज, प्यार पांव दे दीजिए महाराज जी, तो एक दबा दे फिर हमें जल्दी है जाने आज, कहते ना। तो ये भक्ति नहीं। प्रिय बंधुओं, आप सब लोग भक्ति करने भगवान की आए तो भगवान को देख, तो भगवान को जब देखते हैं तो भगवान का क्या देखते हैं? निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार, जिनसे झलके शांति अपार, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। सदृष्टि प्रभु की कहे देख लियो संसार, पाए जगत दुख रूप है अंतर रूप निहार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अच्छा एक बात बताओ सिद्धार्थ, खड़े हो जाते हो, कौन सी क्लास पढ़ते हो? आठवीं, नौवीं, फर्स्ट ईयर? कौन सी फर्स्ट ईयर? पहली क्लास? कौन सी कॉलेज?
अच्छा मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ तुम भगवान का क्या देखते हैं? हाथ देखते कि पैर देखते कि आंख देखते कि कान देखते कि नाक देखते कि मुंह देखते, क्या देखते? अरे यार जिस प्रकार में पंडित या मत बताओ, हम जो पूछ रहे वो बताओ तुम तो, हमें पंडित तो नहीं सुनना तुम्हारा, जी सब बन के बोल रहे तुम, भीतर से बोलो। ये तो तुमने रटी रटाई बोल दी, वो तो बोलते हम भी बोल देते थे जब छोटे में जाते थे, तो मेरी माँ कहती थी जाओ भगवान को नमोकार मंत्र सुना आना और 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह भी सुना के आना, सब भगवान को सुना देते थे, फिर आखिरी में बोलते थे सुनी महाराज, भगवान के नहीं सुनी, कुछ सुनना ना पड़ती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी मम्मी लेके आती थी, वो कहती महाराज जी को बेटा नमोकार मंत्र सुना दो, हमें भी सुनना पड़ता है, हम लिख रहे थे और मम्मी आ गई तो सुनना पड़ेगा, भी पढ़ता है सुनाना भी पढ़ता है दोनों चीजें, लेकिन जब तक पढ़ता है जब तक पूजन कर ली, पूजन पड़ गई भाई निपट गई पूजन के नहीं निपटी, सही बोलना यही बोलते ना, क्या पूजन निपट गए बेधन निपट गए तुम, अब तुमने निपटा दो भगवान के लाने तो भक्ति कहां से, तो इसलिए भगवान को निपटाना नहीं और पूजन निपटाना नहीं, क्या करना है पूजन करना है निपटाना नहीं है। और जब पूजन करते हैं तो पहले सबसे पहले श्रद्धा, मिथ्या दृष्टि पूजन नहीं करना, क्योंकि इसे भगवान के गुणों की पहचान ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए करता है कि सब लोग कर रहे थे इसलिए हम भी करेंगे, माला फेरते हैं तो हमारी एक छोटी सी गुड़िया है संदीप की बिटिया रिछावर वालों की, तो वो भी उससे कह देती उसकी मम्मी माला फेर लो बेटा, तो वो भी ऐसे ऐसे करने लगती हो, यहाँ देखती हो उधर देख लीजिए आग में भी कर लिया, क्या हो गया। बच्चों जैसा नाटक करना अलग चीज है, लेकिन पूजन अगर करेंगे तो सबसे पहले सम्यक श्रद्धावान, सम्यक श्रद्धा। और ज्ञानत राय जी ने कहा है कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। उसके लिए जो श्रद्धावान होता है अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, शक्ति से अधिक नहीं करना चाहिए, और शक्ति अगर हमारी है तो हमारी शक्ति की अभिव्यक्ति भी होना चाहिए और भक्ति भी होना चाहिए। तो भक्ति के लिए एक बात ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखना कि भगवान के अगर तुम पैर देखो तो देख करके पैर तुम क्या बोलना, दोनों पैर प्रभु के कहे घूम लिया संसार, क्या दोनों पैर क्या कह रहे हैं, हमने पूरा संसार घूम लिया, अब संसार घूमने के बाद क्या बचा, कहीं शांति नहीं मिली, कर पे कर प्रभु के कहे पर का करता ना, और पर का कोई करता नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं आप सब लोगों के लिए अगर मान लीजिए सच्ची भक्ति करना है, जाप करना है, आरती देना है, विधान करना है, जो कुछ भी करना है, उसमें सबसे पहले भीतर बाहर से भीतर आओ, बाहर से भीतर आओ, भीतर में समा जाओ, समा कर प्रभु गुण गाओ, समा कर प्रभु के गुण गाओ, और भक्ति का सच्चा राज समझ जा। बाहर से कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करते हैं, कुछ लोग प्रदर्शन के लिए भक्ति करते हैं, कुछ लोग प्रतिस्पर्धा में भक्ति करते हैं। चीज हो गई, प्रतिष्ठा के लिए भक्ति, प्रदर्शन के लिए भक्ति और प्रतिस्पर्धा के लिए भक्ति, ये तीनों भक्ति वाले सच्ची भक्ति नहीं कर सकते हैं। सच्ची भक्ति तो वो कहता है जो प्रदर्शन प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ करके जो भक्ति करता है वही सच्चा भक्ति होता है। प्रिय बंधु अगर आपको भक्ति करना है, क्या करना है, सच्ची भक्ति कितने लोगों को, सबको करना है। तो प्रदर्शन प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा तीन चीजों से ऊपर उठ जाना, किसके लिए, दिखाने के लिए। जैसे आरती में नाचते हैं
तो बहुत सारे लोग आरती लेके नाचते तो देखते किसकी तरफ है, सनिल नहीं, नाचने वाले की तरफ नहीं देखते, जिसको दिखाना उसकी तरफ देखते कि देख रहे कि नहीं देख रहे, फ्रेंड देख रहे कि नहीं देख रहे। अब वो फ्रेंड जी भी हो सकते हैं, नहीं आई समझ नहीं आई समझ। जब आरती तो कर रहे थे बढ़िया, डांस भी कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, देख किसकी तरफ रहे थे, फ्रेंड देख रहे कि नहीं देख रहे। फ्रेंड जी भी हो सकते हैं, एम भी हो सकते, मेल और फीमेल है, इतनी स्पष्ट मत कर, हम इतनी थोड़ी खोलना चाह रहे हैं। अभी वो सनिल क्या सोचेगा बेचारा, शर्मा गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों को मत दिखाओ। मैं साइकिल चलाता था और जब साइकिल चलाता था तो मुझे साइकिल नहीं मिलती, कहन रहती थी। मैं पिताजी के सामने दुकान के सामने से साइकिल चलाता था और ये दिखाना चाहता था कि किराए की साइकिल जरूर है, और वो जैसे चला के जाता था तो किसी के सामने या तो गिर जाता था या टकरा जाता था या कोई ना कोई लफड़ा जरूर हो जाता था। इसी तरीके से तुम भक्ति की साइकिल चला रहे हो, ध्यान रखना। अब भगवान को अगर तुमने दिखाने की कोशिश की तो गिरोगे या कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, इसलिए तुम भक्ति करो, भीतर डूब जाओ, सामने देखो, हैंडल पकड़े रहो, पैडल पैर चलाते रहो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब जब तुम दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करोगे तो याद रखना तुम मिथ्या दृष्टि बन सकते हो, सच्चे भक्त नहीं बन सकते। मिथ्या दृष्टि इसलिए भक्ति नहीं करता, एक ध्यान रखना, सच्चे भक्त से भी अधिक भक्ति करता। जैसे रावण की बात आई थी कि रावण ने शांतिनाथ भगवान की 16 दिन तक भक्ति की बिना का तार टूट गया तो अपने उसे नस से उसने जोड़ करके, लेकिन किसलिए भक्ति की, इसलिए भक्ति की कि बहुरूपणी विद्या मुझे सिद्ध हो जाए, इसलिए भक्ति शांतिनाथ भगवान की। इसी तरीके से अगर तुम निदान के साथ भक्ति करते हो, भावना के साथ नहीं करते हो, कोई मेरे ऊपर खुश हो जाए, कोई मेरा बन जाए, कोई मेरे लिए संरक्षण दे रहे, अपत्य वित्तोत्तर लोक कृष्ण तपस्वी न के चन कर्म गुरुवते भवान पुनर्जन्म जरा जे आश्य त्रिम प्रवृत्तिम समधीर वारुणात। बंधुओ, अगर तुमने इसलिए भक्ति की कि मुझे लड़का लड़की मिल जाए, क्या मिल जाए, दूसरे नंबर, लक्ष्मी मिले मिलन हो मम हो विवाह, सम्यक क्या नाम, सम्यक नाम तेरा है ना, इसको लक्ष्मी मिले मिलन हो मम हो विवाह यही बोलते हैं तुम, मम हो विवाह है तो मम हो विवाह है, मूड़ को विषय की दिन रेन चाह, पैसा दुकिंतु सुख ना पर मैं बताते, क्या नीर के मथन से नवनीत पाते। सबसे पहले लक्ष्य बना लो, पानी को मथने से मक्खन मिलने वाला नहीं है, पांच इंद्रिय के भोगों से कभी भी सच्ची सुख शांति मिलने वाली नहीं है। जिसे इतनी पक्की श्रद्धा हो जाती है, भगवान पर तो श्रद्धा होती है पर उसे ये पक्की श्रद्धा हो जाती है कि पांच इंद्रिय के विषय भोगों से सुख शांति मिलने वाली नहीं है, इसलिए शादी कराना। सब में देखो चुपचाप रह गए बेचारे, बोल नहीं पा रहा, कुछ कराना है नहीं कराना, ठीक है भैया अखबार में निकाल दो। एक व्यक्ति ने सिद्धांत सागर जी के सामने संकल्प ले लिया कि मैं शादी नहीं कराऊंगा, निकलवा दे क्यों, और काय में निकलवाए, यही तक रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सच बात यह है कि हर आदमी भगवान के पास, बहुत सारे लोग आते हैं, कपल्स भी आते हैं भगवान के सामने भी काय के लिए आते हैं। तो एक गाना सुना था मैंने, तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, देखो बिमल जी ने भी सुना,
ये गाना हमने अकेले नहीं सुना, इसलिए क्यों अनिल तुमने सुना, देखो इनने भी सुना और ये गाते भी थे। तो तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि वास्तव में अगर आप मंदिर इसलिए आते किसी से मिलने के लिए, अगर आप मंदिर इसलिए आते पांच इंद्रिय के भोगों की पूर्ति मांगने के लिए, भगवान से अगर तुम कुछ मांगने आते हो तो मांगी लालो, लालो तो गया, मांगी की बात रह गई, तो मांगी लालो। मांगने से नहीं मिलता है, वृक्ष से छाया नहीं मांगना पड़ती है, छाया अपने आप मिलती है। इसी तरीके से प्रभु से मांगना नहीं पड़ता है। जोर से बजाया ताली के, बजाइयो बजा के लिए, बाहर के लोग सोच समझ के बजाना, हाँ ध्यान रखना। तो मांगने से नहीं, किससे मिलती है, आपको भीतर से मिलेगी। तो अब हमारा प्रवचन हम समाप्त करें, समय हो चुका है, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत सारे अर्घ चढ़ाना है, 300 अर्घ चढ़ाना है, अरे तो 12 की काय को गिनती लगाए, जब 300 हो जाए तो 12 हो ही जाए। तो इस तरीके से आप सब लोग ये समझ लें, मिथ्या दृष्टि निदान करने वाला अथवा देव शास्त्र गुरु की जैसे पहचान नहीं है, वह सच्ची भक्ति नहीं कर सकता है। वंदे तद्गुण लब्धये, बोलो 3 बार, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथू सागर महाराज की, तिलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। और भक्ति का फल बताया कि भक्ति कौन कर सकता है, अब आप आकलन कर लेना हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, प्रदर्शन वाली, प्रतिस्पर्धा वाली, प्रतिष्ठा वाली, कि इन सब से रहित होकर के समर्पण वाली, ये आपको विचार करना है, ठीक है ना। सानोदा जैन समाज यहाँ पर द्रव्य लेकर के आई, अगर जोरदार ताली बजाते हैं हम सानोदा जैन समाज वासियों को यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आइए आप लोग और द्रव्य के इस भंडार में प्रभु के दरबार में अपने आप को समर्पित करें। हाँ, और भैया तिलक लगा करके सम्मान करें, भैया तिलक ले लो, यहाँ पर भी इंद्राणी आ जाए, महिला वर्ग की, महिला वर्ग की भी है, नहीं है, ठीक है, सारी चीजें नहीं है, हाँ पूरे परिवार बजा जोरदार ताली भैया, यहाँ रखते जाएंगे तरफ, हाँ चलिए अब हम चल रहे, एक बार ताली बजा दी, पुनः इन सब भक्तगणों का स्वागत करो भैया, आओ। और चलिए अब हम 11,000 के जो यहाँ पर कलश वितरित होना है, मैं नाम बोल रहा हूँ क्रम से, आप लोग आते जाएंगे, कितने हो गए थे नाम, रीना महेश कुमार जी जैन भैया अध्यक्ष साहब, यहाँ पर कलश वगैरह ले ले, चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष कहा है क्या, आर के जैन साहब, हाँ चलो कमेटी के सदस्य आ जाए और कलश वितरित करेंगे। हाँ आओ भैया सानोदा वालो आओ, शांति किराना भी है यहाँ पर सानोदा का, और उनके साथ पूरे भक्तगण यहाँ पर आए हैं, नेहानगर जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। भैया तिलक लगा, हाँ लगा रहे तिलक, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए जावाणी की ज्ञान दे सूजे लो का लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे दो दो, हे जिन वाणी भारती मां तो ही जब बोले ने, जो तेरी सरना गई सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर मंत्र का जाप करें और कल की श्रावक सृष्टि बनने का सौभाग्य प्राप्ति का सालनी शैलेंद्र कुमार जी बजाज बजा जोड़ा तालियां। आज की महाआरती करने के लिए भैया पूछ लो पेट्रोल पंप वालों से, गौधरविंद की आज की महाआरती किसकी है, हाँ, हाँ, है? है? है?
आज की महाआरती करने के लिए भैया नाम देख लेना, बता लेना, ठीक है ना। चलिए इच्छाई महाराज जी, अहम क्रम से नाम बोल रहे हैं यहाँ पर, राजीव, डॉक्टर राजीव भार, इंजीनियर राजीव भारल, श्रीमती पूनम राकेश जैन में जिनके नाम पुकारा है, उनके परिवार के सदस्यों तो यहाँ आकर के अपना चातुर्मास मंगल कलश प्राप्त करेंगे। राजकुमार नीरज जैन, विपुल जैन चक्राघाट, हेमचंद अखिल जैन सीए, श्रीमती संगीता राजेश जैन सत्यम हार्डवेयर, निशान लगाते जाना, जीसी नायक दीनदयाल नगर, मैं जिनका नाम पुकार रहा हूँ कृपया कर परिवार के साथ, और परिवार के साथ वैसे तो वैसे भैया नाम ले आ जाइए कलश ले। हाँ तो ये कलश देते जाएं। महिला मंडल दीनदयाल नगर, हाँ जलज जैन, अंबु जैन, राजकुमार जैन, ज्योति जैन, कमलेश कुमार जी, ऋषभ कुमार जी कवाड़ी, मनीष कुमार जी, आशीष कुमार जी, अंशुल लोहिया, सौरभ जैन आदि किराना, आ जाओ दीपक जैन, पीसी जैन मोकलपुर वाले, राकेश कुमार जी, श्रीजी श्रीराम श्रेयामिक पटना वाले, विनय कुमार जी, सानु जैन साई खेड़ा, शैलेंद्र बजाज साहेपुर, निर्मल कुमार जैन, लट्टू जैन दलपतपुर, मनोज कुमार जी सक्सेस क्लासेस, केसी जैन साहब हो गए, हाँ मनोज कुमार जी एमपीबीएस हो गए, अनिल कुमार जी, राकेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, संजय जैन आगरा, प्रमोद कुमार जी भाई जी, हम मोकलपुर साइड।